Hey guys, welcome back to the channel and you're listening to Aman Rao with only on Pahadi Brothers live stream. तो आज हम बात करने वाले हैं wrestling की दुनिया की एक सबसे बड़ी controversial news के बारे में. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पूरे साल भर wrestling में ups and downs देखने को मिले. हमारे जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी थे उनका performance down हुआ क्योंकि वो अपने rights मांग रहे थे हमारी government से. बट एट दी एंड हुआ क्या, हमारे सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस डाउन रही. वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ, आपने देखा किसी ने भी गोल्ड मेडल नहीं जीता, सब लोग सिल्वर या ब्रॉन्ज से संतुष्टि हासिल की क्योंकि यार ज्यादातर अच्छी प्रैक्टिस आप जानते हैं धरने में नहीं हो सकती है ना, तो वही चीज. पर कारण क्या था, बृजभूषण जी के ऊपर इतने सारे केसेस चले, सब कुछ हुआ, उन्होंने अपनी सीट तो छोड़ी. बट अभी रिसेंटली पता चला कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं वो संजय सिंह है, जो कि बहुत क्लोज हैं बृजभूषण जी के. तो जब इलेक्शन जीते गए तो बृजभूषण जी ने क्या बोला, दबदबा था और दबदबा रहेगा, ऐसे कोर्ट्स उन्होंने पास किए. और जो उनके ओपोनेंट थी अनीता जी, जो कि ऑलरेडी कॉमनवेल्थ विनर रह चुकी हैं रेसलिंग की दुनिया में, उनको हराया गया बहुत ही ज्यादा वोट से. तो दोस्तों बात यह है कि हमारे जितने भी खिलाड़ी थे वर्ल्ड चैंपियनशिप में जब खेले थे तो वो एक न्यूट्रल फ्लैग के साथ खेले थे. हमेशा आपने देखा होगा हमारे रेसलर जब भी खेलते हैं तिरंगे को लहराते हुए खेलते हैं, तिरंगे के साथ खेलते हैं. बट इस बार वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमें देखने को मिला था कि हमारा कोई भी खिलाड़ी, मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे को खुद दुख हो रहा है दोस्तों, भारत के नाम के अंडर नहीं खेले, वो खेले थे UWW के अंडर. इंडिया को बैन कर दिया था क्योंकि हमारे यहाँ पर इंटरनल इश्यूज इतने ज्यादा हुए थे कि हमारे प्लेयर्स ने मना कर दिया था कि भाई हम लोग ऐसे नहीं खेल सकते. बट UWW ने इंडियन प्लेयर्स को खेलने का मौका दिया बट अंडर द न्यूट्रल फ्लैग. तो जितने भी मेडल्स जो भी आए वो भारत के पास नहीं आए, वो UWW के पास ही गए. फिर बात करें दोस्तों, अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना कि इलेक्शंस हुए, संजय सिंह जी जीते बट उन्हें अभी 24 दिसंबर यानी कि आज ही सस्पेंड कर दिया गया. ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने 21 दिसंबर को एक बहुत ही क्विक डिसीजन ले लिया कि भाई हम लोग नेशनल गेम्स जल्दी जल्दी करवा देंगे. बट आप लोग जानते हैं कि कभी भी नेशनल गेम्स इतनी जल्दी नहीं करवाए जाते, आपको 15 डेज का एक प्रायर नोटिस देना पड़ता है, ये भी मिनिमम है ठीक है. और बहुत ज्यादा अर्जेंट हो गया, कुछ ऐसा हो गया तो आपको मिनिमम 7 डेज का प्रायर नोटिस देना पड़ता है. आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई कल ही आ जाओ हम लोग खेल लेंगे हम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता ठीक है. तो ये चीज गलती की संजय सिंह जी ने, जिसका उन्हें अब डिसएडवांटेज हुआ कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया. तो दोस्तों ये पूरा केस बनता है. और अभी जैसे कि आप लोग जानते हैं साक्षी जी ने भी रिसेंटली क्विट करने की बात की है, अगर ऐसे ही लोग प्रेसिडेंट बनते रहेंगे तो भाई मैं नहीं खेलूंगी. बजरंग पुनिया जी उन्होंने भी ये कहा कि मेरे सारे मेडल्स आप लोग वापस रख लीजिए, PMO ऑफिस के बाहर भी गए थे वो लोग ये बात बोलने के लिए. और ऐसी चीजें हुई, आप लोगों ने देखा इन सब की वजह से हमारे गेम्स में काफी इंपैक्ट पड़ा है. सिर्फ ओलंपिक में एक ही खिलाड़ी गई है वुमेन सिंगल्स में, अंतिम बंगाल जी ठीक है, सिर्फ एक ही कोटा मिला है क्योंकि हमारे सारे प्लेयर्स जितनी भी मेहनत कर रहे थे वो टॉप नॉच लेवल पे नहीं पहुंच पाई क्योंकि इतना सारा इश्यू हो गया था, इंटरनल मैटर्स इतने हो गए थे. तो यही सारी डिटेल्स थी जो आपकी आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी. अगर आप इसमें कुछ एड ऑन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए. और आपको क्या लगता है कि प्लेयर्स जो कर रहे हैं वो सही है, जो गवर्नमेंट कर रही है वो सही है? तो दोस्तों फाइनली यहां पर ये कंक्लूजन निकल के आया है कि जो संजय सिंह जी हैं उनको हम लोगों ने कर दिया है सस्पेंड ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने जो क्विक डिसीजंस लिए वो लॉ के खिलाफ थे. स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई कि भाई आप लोग इतने हैस्टी डिसीजंस कैसे ले सकते हो, इतना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कैसे हो सकता है इतनी बड़ी पोस्ट के साथ. तो संजय सिंह जी को कर दिया गया है सस्पेंड और पहाड़ी ब्रदर्स के साथ आप लोग ये न्यूज ले चुके हैं, ये अपडेट ले चुके हैं. और भी ऐसी अपडेट्स के लिए पहाड़ी ब्रदर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठीक है. और भी अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भैया इस टॉपिक के बारे में आप जरूर वीडियो बनाएं ताकि हम लोग आपके साथ वो चीज शेयर कर सके ठीक है. तो जय हिंद जय भारत, लेट्स सपोर्ट ऑल द स्पोर्ट्स टुगेदर, लव यू ऑल.